आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि पानी पीने का सही तरीका कौन सा है जिससे कि आप बीमारियों से बच सके। इस वीडियो में मैं आपसे 5 सवाल करूंगा और उन 5 सवालों में हर एक में एक गलती छुपी होगी। हो सकता है आप सही तरीके से भी पानी पीते हो, तो जो मैं सवाल करूंगा, हर एक सवाल का आप अपने आप से जवाब पूछिएगा कि आपका पानी पीने का तरीका कौन सा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली गलती से या पहले सवाल से। पहला सवाल है कि आप पानी कैसे पीते हैं? आप बोतल उठा के या गिलास उठा के और ऐसे ऊपर करके गटगट गट एक ही सांस में पी जाते हैं? एक तो ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा, आप खड़े होके पानी पीते हैं या बैठ के पानी पीते हैं या लेटे लेटे भी आप पानी पी लेते हैं, या आप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, उसको थोड़ी देर मुंह में रखते हैं, स्क्विश करते हैं और फिर अंदर लेके जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लेट के या खड़े खड़े अगर पानी पीते हैं तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। अब आप ये सवाल करेंगे, और ये पानी पीने से कैसे जान जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। होता यह है कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं या ऐसे गटगट करके पानी पीते हैं तो उससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पानी आपके ट्रेकिया यानी कि श्वास नली की तरफ चला जाए। और आपने देखा होगा कई बार आपको फंदा लग जाता है खाना खाते और पानी पीते, वो तभी होता है कि जब कोई फूड आइटम या पानी आपके ट्रेकिया की तरफ चली जाती है। ऐसा होने से एकदम से जो आपका श्वास नली है, ट्रेकिया जो है, उसमें एक रिफ्लेक्शन आता है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। और अगर ये पानी अंदर चला जाए और सही से ना निकले तो आपके ट्रेकिया में स्पाज्म आ सकता है, आपकी सांस रुक सकती है और जान भी जा सकती है। इसलिए आपके बड़े बूढ़े कहते हैं कि खड़े होकर पानी ना पिए, लेट के पानी ना पिए और कुछ भी ना खाए ना पिए खड़े होने के बाद। तो ये तरीका तो बिल्कुल गलत है अगर आप खड़े होकर या लेटे लेटे पानी पीते हैं। तो आप ऐसा भी ना करें कि आप बहुत बहुत जल्दी में खटाखट गटगट गट पानी पी जाए। आराम आराम से आपको पानी पीना चाहिए। तो जो सही तरीका है पानी पीने का वो यही है कि आप बहुत आराम से बैठ के सिप बाय सिप पानी पिए और पानी मुंह में लेने के बाद एक सिप थोड़ी देर उसको 1 से 2 सेकंड अपने आप मुंह में रोक के रखें और उस पानी को फिर आप निगल लें। ये बिल्कुल सही तरीका है पानी पीने का। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां जाती रहती हैं, खास तौर से जैसे गैस्ट्राइटिस की बीमारी है, अल्सर्स की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। इन बीमारियों को आप बिल्कुल अपने आप से दूर भगा सकते हैं अगर आप पानी थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीते हैं। ये सबसे सही तरीका है। सबसे तरीका सही क्यों है ये? क्योंकि आप जब ऐसे सिप सिप करके पानी पीते हैं और थोड़ी देर मुंह में रख के स्क्विश करते हैं तो जो आपकी सेलिवरी ग्लैंड्स है जिनसे आपका सलाइवा निकलता है या लार निकलता है, तो ये लार ग्रंथियां आपकी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और आपका जो पानी है इसमें थोड़ा लार मिल जाता है। फिर आपके जो पेट में जाता है और जब बाद में कुछ भी खाना खाते हैं या आपके पेट के अंदर जो खाना है, ये लार आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन की जो लुगदी है उसको बनाने में मदद करता है और उसको पेट से आगे छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में भेजने में भी सहायक होता है। तो इस तरीके से आपका एक तो गैस्ट्राइटिस बच जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस बच जाते हैं जो पेट के अल्सर हो जाते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो है ना बढ़िया बात। तो आप हमेशा आराम से बैठ के सिप बाय सिप थोड़ी देर मुंह में रख के पानी पिए, ये बेस्ट हैबिट होती है पानी पीने की। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आपसे कि आप क्या ठंडा पानी पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं या नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर के बराबर का पानी होता है वो पानी पीना पसंद करते हैं। तो देखिए, अगर आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं, एकदम से आपने फ्रिज का दरवाजा खोला, बोतल निकाली और एकदम से पानी पीना शुरू कर दिया, ये बिल्कुल गलत तरीका है पानी पीने का। या आप अगर बहुत तेज गर्म पानी भी पीते हैं और सिर्फ गर्म पानी पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो भी गलत तरीका है। सबसे जो अच्छा तरीका है, नॉर्मल पानी पिए। और नॉर्मल भी अगर आप मिट्टी का बर्तन यानी कि घड़ा या सुराही अगर लेते हैं और उसमें पानी रख के उस पानी को पीते हैं तो ये बहुत ही अच्छा नेचुरल मिनरल वाटर भी इसके आगे फेल है, जिसको आपको पीना चाहिए। आप तांबे के बर्तन में रख के भी पानी को पी सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है गर्मी के दिनों में भी। हाँ, सर्दियों में आप हल्का फुल्का सा गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल आता है आपके लिए कि आप खाने के साथ कितना पानी पीते हैं और कब पीते हैं। तो कोई कहेगा कि आप खाने से पहले पानी पिए, कोई कहेगा खाने के बाद में पानी पिए, कोई कहेगा खाने के बीच में पानी ना पिए। इस तरह के आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप खाना खाने के साथ साथ किस तरीके से पानी पीते हैं, क्या आप शुरू में पीते हैं, बीच में पीते हैं, आखिर में पीते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीते? तो देखिए, अगर आप खाना खाने से पहले वो भी 10
15 मिनट पहले अगर पानी पीते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, या कम से कम आप खाना शुरू करने से पहले अगर पानी पी लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि एक तो आपका एब्डोमिन थोड़ी सी फुलनेस हो जाती है, आपका पेट भरा भरा हो जाता है, तो आप खाना कम खाते हैं, और अगर खाना कम खाते हैं तो आपके शरीर को मेहनत कम करनी पड़ती है और हमेशा आपको भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। एक तो ये फायदा है। दूसरा, आप बात करते हैं कि अगर दूसरे तरीके से आप पानी पीते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। तो अगर आप मान लीजिए आपने खाना खाना शुरू किया और आपने खाना के बीच में पानी पी लिया, या आपने खाना फिनिश किया और उसके फौरन बाद आपने एक गिलास पानी पी लिया, या आप जब भी जैसे खाना शुरू करते हैं तो आपके स्टमक में एक एनर्जी या अग्नि जलना शुरू हो जाती है जो आपके भोजन को पचाती है। और मॉडर्न तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि आपके अंदर जैसे आप खाना खाना शुरू करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl एसिड निकलता है जो आपके खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अगर आपने बीच में पानी पी लिया या आपने बाद में पानी पी लिया तो जो ये जठर अग्नि है या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डाइल्यूट हो जाता है। इसकी वजह से आपके भोजन को जितनी तेजी से पचना चाहिए वो भोजन नहीं पचता है और देर तक खाना आपके पेट में पड़ा रहता है और फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है। और जब खाना देर तक आपके पेट में पड़ा रहेगा तो गैस बनेगी, गैस्ट्राइटिस होगा, और अगर बार बार क्रिया चलेगी तो फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं। और जब आप शुरू में पानी पी लेते हैं तो ये खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आप जब शुरू में पानी पीते हैं तो आपका जो खाली पेट के अंदर HCl था उसको डाइल्यूट करता है, और जब आप खाना खाना शुरू कर देते हैं तो वो जो HCl है सीधे खाने के ऊपर एक्ट करता है। तो इसलिए आप खाना खाने से पहले ही पानी पिए, खाने के बीच में या बाद में बिल्कुल पानी ना पिए। हाँ, अगर गले में फंसता है खाना या बीच में लगता है तो एक आध घूंट आप पी सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की, पानी किस में पिए, बोतल में पिए, ग्लास में पिए, कौन सा बर्तन यूज करें। तो आपको दो बातें मैं आपको बहुत क्लियर कर देने वाला हूं यहाँ पे। प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के पैक्ड बोतल का पानी तो आप बिल्कुल भी ना पिए, ये पॉइजन है। पॉइजन किस लिए है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब पानी प्लास्टिक की बोतल में, आपने देखा होगा जब कभी वो ट्रांसपोर्ट में जब जाता है तो कभी वो गाड़ी में पड़ा होता है, कभी वो ट्रक में पड़ा होता है, कभी दुकान के बाहर धूप में पड़ा रहता है। और आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि प्लास्टिक के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको स्टायरीन कहते हैं, और जब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पार करता है टेम्परेचर तो स्टायरीन ये पिघलने लगता है, और उसके साथ साथ दूसरे भी जो प्लास्टिक के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो भी पानी में पिघलने लगते हैं। और जो स्टायरीन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक एजेंट है, यानी कि कैंसर को पैदा करने वाला केमिकल है। तो अगर आप बोतल बंद पानी पी रहे हैं मिनरल वाटर समझ के तो आप गलती कर रहे हैं, आप कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। तो आप प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक के सिपर्स में तो पानी बिल्कुल ना पिए। आप बाहर से बोतल लेके आते हैं, फ्रिज में ठंडा कर लेते हैं, आपको लगता है कि हम ठंडा पानी पी रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उसके अंदर स्टायरीन मिल चुका होता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो पानी किस में पिए, पानी पीने के लिए आपको या तो आप सिंपल ग्लास, कांच का ग्लास यूज करें, कांच की बोतल यूज करें, तांबे की बोतल यूज करें या उसका ग्लास भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं तो उसका तो कोई कहना ही नहीं है, वो लाजवाब है। हालांकि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो आप तांबे का बर्तन यूज कर सकते हैं या ग्लास यूज कर सकते हैं, ये अच्छा तरीका है पानी पीने का जो आपको बीमारियों से बचाएगा। अब एक बड़ा सवाल आता है कि दिन भर में कितना पानी पिए, कोई कहता है 8 लीटर पियो, कोई कहता है 7 लीटर पियो, कोई कहता है 4 लीटर पियो, कोई कहता है 15 गिलास पियो। तो आप कितने गिलास पीते हैं अपने आप से पूछ लीजिए। तो इसका कोई गोल्डन रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी खुद की दिनचर्या पे कि आप कितनी मेहनत करते हैं, मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है, आप बहुत मेहनत का काम करते हैं कम मेहनत का काम करते हैं। तो आप ये मान के चलें कि जितना आपका खून का वॉल्यूम है उतना पानी तो आपको पीना चाहिए। तो कम से कम 5-5.5 लीटर आपको 24 घंटे में पानी पीना चाहिए। बड़ा सिंपल नियम है, आप हर घंटे जब तक आप जाग रहे होते हैं दिन में 1 गिलास पानी पी लें, ये भी तरीका हो सकता है। या ये देखने के लिए कि आप पानी कम तो नहीं पी रहे, आपका जो यूरिन का कलर है वो आपको बता देता है कि आप पानी और पीना आपको चाहिए पानी या आप कम पानी पी रहे हैं। तो जब भी आपके यूरिन का कलर थोड़ा सा येलोइश होने लगे, थोड़ा डार्क दिखने लगे, तो समझ लो कि आपको पानी की जरूरत है। और अगर आपका यूरिन बिल्कुल साफ आता है, ट्रांसपेरेंट आता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, तो फिर आप नॉर्मल पानी पीते हैं, आपका पानी पीने की हैबिट ठीक ठाक है। तो ये आपकी बॉडी आपको खुद बता देगी कि आपको कब पानी पीना, आपको खुद प्यास लगने लगती है। तो जब प्यास लगे तब तो पीना ही है, लेकिन अगर यूरिन का कलर हो जाए तब भी आपको पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी कई सारी बीमारियां आती है, आपके किडनी को बहुत नुकसान होता है अगर आप कम पानी पीते हैं, स्टोन्स बन सकती हैं, डाइजेशन भी ठीक नहीं होता है। तो आप पानी पिए, दिन भर में पानी भी आप ज्यादा पिएंगे तो उससे आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा और आपके बॉडी के फंक्शंस भी अच्छे से काम करेंगे। तो अब मैं आपके साथ 5 पॉइंट बता देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ इन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तब भी बात बन जाएगी। पहला,
डोंट ड्रिंक वाटर बट ईट वाटर, आप पानी को ऐसे पिए जैसे आप खाते हैं थोड़ी देर मुंह में रख के, बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी ना पिए। तीसरा, जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसी को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि उसको मिट्टी के बर्तन में रखा हो या तांबे के बर्तन में रखा हो। चौथा, खाने के बीच में या खाने के अंत में बिल्कुल पानी ना पिए, खाना खाने के कम से कम एक घंटा बाद जितना आपका मन करता है उतना पानी पिए, ये बहुत फायदेमंद होता है। और पांचवा, अच्छा पानी पिए, साफ सुथरा पानी पिए, कोशिश करें कि बोतल का पानी, प्लास्टिक की बोतल का पानी बिल्कुल भी ना पिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी भरा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।